चुके हैं खतरनाक क्योंकि गाइस आज हम बनाने वाले हिंडनबर्ग ड्रम थ्रीडी के अंदर एक फ्लाइंग फॉरेस्ट। जी हाँ दोस्तों, उड़ता हुआ जंगल भाई साहब, काफी ज्यादा मजा आने वाले। फटाक से वीडियो को लाइक कर लेना एंड चैनल बने आपको बट डू सब्सक्राइब क्योंकि आपको इस चैनल पर खतरनाक वीडियो देखने को मिलती रहती है। तो चलिए फटाक से वीडियो को चलते हैं। ऑल राइट गाइस, अभी आप लोग देख सकते हो मैं आ चुका हूं। अभी मैं सोच रहा हूं फ्लाइंग फॉरेस्ट बनाने के लिए मेरे को एक बिल्डिंग पे जाना पड़ेगा, तो मैं अभी आ चुका हूं इस बिल्डिंग के ऊपर। और इसी बिल्डिंग से हम एक बॉय बनाने वाले बोले तो रास्ता बनाएंगे, उसके बाद वहां पर एक भाई साहब एक प्लेस बनाएंगे जिसके ऊपर हम जंगल बनाने वाले हैं और वो सब बनाएंगे इस कंटेनर से। मतलब यार गाइस यार आरजे स्टूल से जो कंटेनर आते हैं ना तो इनसे मंगाएंगे। और अगर गाइस आप लोग नहीं जानते हो कि अरे भाई आरजे स्टूल से ये कैसे आ रही है, तो मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप लोग वो देख सकते हो। वहां आपको इस चैनल पे हर कुछ मिलने वाला है, तो आप लोग इस वीडियो का जाना चैनल पे देख लेना सारी वीडियो। तो चलो फटाक से मैं इसको सेट कर देता हूँ, एक रास्ता बना देता हूँ एंड उसके बाद हम बनाएंगे एक बेस जहाँ पर मैं पूरा का पूरा जंगल बनाने वाला हूँ। और इतना ज्यादा खतरनाक जंगल बनने वाला है ना, मुझे खुद नहीं पता था। तो चलो फटाक से बनाता हूँ। थ्री कंटेनर से और गाइस अभी हम यहाँ पर बनाने वाले ग्रीन कंटेनर से एक बेस जहाँ पर हम जंगल बनाने वाले हैं। और गाइस ग्रीन इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि ये ना ग्रास के जैसे लगता है, तो ग्रीन ही ज्यादा बेस्ट रहेगा। तो यहाँ पर हम एक बहुत ही बड़ा एकदम प्लेस बना देंगे, मतलब बहुत ही ज्यादा मेहनत भी लगने वाली है और मेहनत तो लगेगी ही। आप लोग फटाक से लाइक लगा दे रहे मेरे इस वीडियो पे और मैं अभी यहाँ पर कंटेनर ही कंटेनर बिछाने वाला हूँ। लास्ट के रिजल्ट होता बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक ही बने रहिएगा। तो जो फटाक से मैं यहाँ लगाता हूँ इनको। नीचे से देखो कितना ज्यादा खतरनाक दिख रहा है ऊपर, भाई फ्लाई वाला भाई, देख सकते हो आप लोग क्या खतरनाक उड़ रहा है हवा में। और इसी के ऊपर जंगल भी बनाने वाले हैं, बट यार अभी ना ये थोड़ा सा ही कंप्लीट हुआ है भाई, अभी तो इसका 80% और कंप्लीट होना है यार, मतलब बहुत ही ज्यादा खतरनाक तरीके का बनने वाला है। तो मैं अभी आज का ऊपर और यहाँ पर मैं कंटेनर लगाते भाई सच में यार भाई बहुत ज्यादा मेहनत लग रही है इसको लगाने में। अगर आप लोग कंटेनर वगैरह लगा चुके हो तो आपको पता होगा, नहीं लगा चुके हो तो बनाओ तो कुछ भाई। वैसे हाँ गाइस आप लोग मुझे फटाफट से कमेंट करो कि गाइस आपने क्या क्या बनाया हिंडनबर्ग ड्रम थ्रीडी के अंदर, फटाक से कमेंट करो, देखते क्या क्या बनाया। और मैंने क्या क्या बनाया मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे आपको शेयर कर रखा है, आप लोग जाकर वो वीडियो देख लेना। एंड इसके साथ गाइस आप लोग यहाँ पर देख सकते हो मैंने बना दिया इतना ज्यादा बड़ा एक बेस जहाँ पर हम बनाने वाले हैं वो फॉरेस्ट। और हाँ गाइस अभी छोटा ही है, इसको और भी ज्यादा बड़ा करते हैं, कोई बात नहीं, चाहे एक घंटा लगा हुआ दो घंटे से। और गाइस यार ये जो कंटेनर लगाना इनके साइड साइड में भी जाल लगाने वाले हैं, मतलब यार इतनी मेहनत और करनी पड़ेगी भाई, मैं तो थक गया यार, बट आप लोगों के लिए करना ही पड़ेगा। आप लोग मेरे लिए प्लीज इस वीडियो पे लाइक जरूर से कर देना और चैनल पे ना क्या करना है सब्सक्राइब भी करना है। तो चलो फटाक से मैं जाल लगा देता हूँ। तो गाइस आप लोग देखो अभी मैंने ना भाई जो बॉय है ना उसमें लगा दिए जाल, वो भी काफी ज्यादा मस्त, और ये इसलिए लगाए ताकि मैं आऊँ ना और पता चला नीचे गिर गया तो भाई सब खत्म हो जाएगा ना भाई, मैं गिरूंगा मर भी जाऊंगा इसलिए फिर से आना पड़ेगा। ऑल राइट अभी मैंने जाल उधर भी लगा दिया और अभी हम लगाने वाले इस पूरे साइड पे जाल। और इस कंटेनर को हटाओ पहले यार, ये यहाँ पे क्या कर रहा है पता नहीं, चलो वो दिख रहे हटा देंगे एक सेकंड। ये क्या हुआ, अरे भाई ये कैसे हट गया भाई, यार फिर से वही ग्लिच हो गया यार, मुझे फिर से लगाने पड़े वो वाले। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं गाइस, मैं आपको बताऊँ तो मैं यहाँ पर लगाने वाला हूँ जाल। तो मैंने अभी कंटेनर वगैरह तो लगा दिया, अभी फटाक से फट से जाल लगाते हैं। और इसमें भी काफी ज्यादा टाइम लगता है क्योंकि इसको स्पॉन करने में टाइम लगता है और फिर इसको सेट करने में तो और भी ज्यादा टाइम लगता है। चलो फटाक से मैं इसको लगा देता हूँ। सो गाइस
कंप्लीट कर दिए हैं फुल्ली स्पॉन करके सेट करके, और अभी गाइस हम लगाने वाले हैं तीसरी और चौथी साइड में भी यार। और सच में यार काफी मेहनत लग रही है यार इसको लगाने में सेट करने में यार। चलो कोई दिक्कत नहीं यार, मैं करता रहूंगा और फटाफट से यहाँ पर जाल लगाते हैं। ऑलराइट आप लोग देख सकते हो कितने सारे मुझे जाल स्पॉन करने पड़ रहे हैं यहाँ पर, तो चलो फटाक से इनको भाई लगा कर आपसे मिलते हैं। यार ये जो मैंने अभी जगह बनाई है ना, मैंने इसमें चारों के चारों तरफ जाल कंप्लीट कर दिए भाई साहब। इनको लगाने में काफी ज्यादा मेहनत लगी और गाइस कंटेनर लगाने में तो और भी ज्यादा मेहनत लगी है। तो प्लीज से मैं चाहूंगा आप लोग इस वीडियो में लाइक मार दो और चैनल पर नया हो तो भाई सब्सक्राइब भी कर लेना। और अभी गाइस हमारा काम क्या है यहाँ पर हमको पेड़ लगाने होंगे यार, क्योंकि फॉरेस्ट के अंदर हमको पेड़ ही तो देखने को मिलते हैं। तो चलो गाइस आप लोग देख सकते हो यहाँ पर हम हर तरीके के पेड़ लगाने वाले हैं। ऑलराइट गाइस आप लोग देखो अभी मैं डाला हूं T3 और T3 से ये वाले ट्रीज आ रहे हैं, तो चलो मैं भी यहाँ डालने वाला और भी सारे चिट कोड्स। और इसमें हमको भाई फाइव तरीके के वाला फाइव टाइप के पेड़ देखने को मिल जाते हैं, और हम थ्री टाइप के लगाने वाले हैं। तो चलो फटाक से आपको लगा कर दिखाते हैं। और हाँ जिसको भी ये जंगल अच्छा लगता है ना, फॉरेस्ट अच्छा लगता है, तो प्लीज यार इस वीडियो को लाइक जरूर से मार देना। तो चलो अभी फटाक से बताता हूँ। और ज्यादा होना भी चाहिए मैं क्या कर रहा हूँ मुझे नहीं पता, फटाक से गाइस इनको मैं सेट कर देता हूँ। लेकिन अब इसमें कुछ चीजें लगाना बाकी है, जैसे कि डस्टबिन वगैरह, लाइट वगैरह भाई वो भी लगाएंगे, और इसमें एनिमल्स भी छोड़ेंगे भाई, डायनासोर वगैरह, हॉर्स और क्या होता है लायन तो है नहीं यार। चलो कोई दिक्कत नहीं गाइस, हम यहाँ पर सबसे पहले एंट्रेंस एरिया पर लगाने वाले लाइटें। जी हाँ दोस्तों, लाइटें भी जरूरी है, पता चला रात में आए और पता ही नहीं चलेगा भाई रास्ता कहाँ पे, पता चला नीचे कूद के खत्म हो जाएंगे ना, इसीलिए गाइस मैं यहाँ पर लाइटें लगा देता हूँ ताकि पता चल जाए कि हाँ यहीं से जाना इसके अंदर से ही। सो ऑलराइट गाइस मैंने यहाँ पर लाइटें भी लगा दी है, और ये लाइटें ना काफी ज्यादा मस्त लगती हैं, अब लग रहा है ना फुल्ली मस्त। और अभी अंदर चलने वाले हैं, और अंदर अभी हम एनिमल्स छोड़ेंगे, और उसके बाद अंदर भाई सब डस्टबिन भी लगाएंगे, क्योंकि यार एनिमल्स अगर कूड़ा करेंगे तो भाई गंदा हो जाएगा ना हमारा फॉरेस्ट, और गंदा होना नहीं चाहिए। एनिमल्स को भी सिखा देंगे कि कूड़ा कूड़ेदान में ही डालना है। तो चलो फटाक से मैं यहाँ पर स्पॉन करता हूँ, उससे पहले मैं यहाँ पर लाइटें भी लगा देता हूँ, यहाँ पर भी लाइटें लगा दूंगा, क्योंकि अंदर से बाहर आने को पता ही नहीं चलेगा ना, पता चला जाल में टकराया गया तो इसीलिए यार। तो चलो मैंने यहाँ पर लाइटें भी लगा दी हैं, और भाई साहब एक बार चेक करो यार जंगल तो काफी ज्यादा ही मस्त लग रहा है। तो उसी के साथ भाई मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा भाई रिजल्ट, तो वो काफी ज्यादा मस्त है, और आपको कमेंट में जरूर से बताना है कि आपको ये हमारा फॉरेस्ट कैसा लगा। उसी के साथ गाइस मैं यहाँ पर लगाने वाला हूँ बहुत सारे डस्टबिन, हर जगह पर डस्टबिन लगाऊंगा ताकि अच्छा लगे यार डस्टबिन में, और भी ज्यादा मुझे अच्छा लगता है, आपको कैसा लगता है बता सकते हो। तो चलो गाइस हम चारों की तरफ लगा देते हैं डस्टबिन। मैंने अपने
पूरे फॉरेस्ट के अंदर भाई सब लगा दिए डस्टबिन वगैरह वगैरह सब कुछ, और अभी बचा है एनिमल्स को यहाँ पर छोड़ना। तो चलो गाइस अभी मैं यहाँ पर डायनासोर को एक मंगा देता हूँ। ऑलराइट गाइस आप लोग देखोगे मैंने डायनासोर मंगा दिया है, और इसका चीट कोड क्या आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो फटाक से कमेंट को, देखते कितने लोगों को पता हुआ है। तो चलो गाइस अभी हम यहाँ पर और भी चीट कोड मंगाते हैं जिससे कि हॉर्स। तो चलो गाइस मैंने यहाँ पर 200 से हॉर्स भी स्पॉन करा दिया है, और यहाँ पर एक डॉग भी करा देते हैं भाई, डॉग भी सही है। तो चलो भाई डायनासोर डॉग हॉर्स सब कुछ होने वाला है यहाँ पर, और हाँ गाइस अगर लाइन वगैरह होना अरे भाई अब तो फिर तो मजे आ गए ना, क्योंकि यार फॉरेस्ट का किंग कौन होता है भाई, शेर ना। तो चलो बड़ा से मैं यहाँ पर शेर ही नहीं। तो चलो गाइस यहाँ पर मैं डायनासोर वगैरह स्पॉन कराता हूँ। ऑलराइट गाइस आप लोग देख सकते हो ये वाला डायनासोर कितना ज्यादा बड़ा है। तो और भी मैं यहाँ पर मंगाने वाला हूँ, और आगे जो लंबी गर्दन वाला ना बहुत बड़ा है, काफी ज्यादा मस्त है। तो चलो उसको भी मैं स्पॉन करा देता हूँ यहाँ पर। उसका चीट कोड क्या था, 5353 से मैंने यहाँ पर वो वाला डायनासोर स्पॉन करा लिया है। तो चलो और भी हम यहाँ पर डायनासोर कराते हैं, जैसे कि हो गया टीरेक्स डायनासोर, टीरेक्स को भी मंगाते हैं। उससे पहले मैंने यहाँ पर हॉर्स मंगा दिया है, और टीरेक्स का चीट कोड क्या था शायद 5252 था, शायद से 551 होगा। तो चलो गाइस यहाँ पर मैं डायल करके देखता हूँ। ऑलराइट गाइस यहाँ पर मैंने ना टीरेक्स डायनासोर भी मंगा दिया है। तो चलो गाइस अभी और देखते हैं और कोई यहाँ पर एनिमल है क्या। चलो गाइस कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर मैं डॉग्स वगैरह ही मंगा देता हूँ, क्योंकि ज्यादा एनिमल है ही नहीं यार। चलो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर एलिफेंट वगैरह होता वो भी मंगा देते, बट यार यही मैम थोड़े बहुत डायनासोर मंगा दिया हूँ। चुका है अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि हमने फ्लाइंग फॉरेस्ट किस तरीके का बनाया है, और देखने में तो काफी ज्यादा मस्त लग रहा है, होने भी काफी ज्यादा मस्त है, होने वाला का भी काफी ज्यादा मस्त है यार। तो चलो सबसे पहले एंटर्ड एरिया पर हमको कुछ इस तरीके का खतरनाक सीन देखने को मिलता है। जाल लगे हुए कंटेनर है, लाइटें भी वगैरह भाई, और सीधा हम अंदर एंटर करते हैं। तो साइड साइड में जाल है भाई, जब आप लोग देख सकते हो कितनी ऊंचाई पर हम लोग हैं यार, क्योंकि फ्लाइंग फॉरेस्ट है तो भाई हवा में तो होगा ही है ना। तो गाइस आप लोग देख सकते हो कितना ज्यादा खतरनाक हमने यहाँ पर फॉरेस्ट बनाया हुआ है। तो चलो गाइस सबको फॉरेस्ट का टूर देता हूँ। तो सबसे पहले भाई साहब क्या खतरनाक यहाँ पर फॉरेस्ट लग रहा है भाई, पेड़ देखो यार यहाँ के, मैं मतलब यार काफी ज्यादा ही मस्त लग रहा है, मेरे को तो काफी ज्यादा मस्त लग रहा है, और नीचे से देखने में भी काफी ज्यादा अच्छा व्यू मिल रहा है यार, मतलब ऐसा लग रहा है असलियत के फॉरेस्ट में आ चुका हूँ। बट यहाँ पर गाइस आप लोग देखते हो डायनासोर भी खड़े हुए हैं, और ये सीधे ही खड़े रहते हैं यार क्योंकि हिल नहीं सकते। बट गाइस आप लोग देखते हो और क्या खतरनाक तरीके का यहाँ पर हमारा हमको फॉरेस्ट। तो गाइस आप लोग देखते हो यहाँ पर हमारा एक वेरोस लिप्टर, क्या नाम है इसका, बोरा टीरेक्स, रे नहीं यार कुछ भी नाम हो यार इसका लंबी गर्दन वाले का। तो चलो गाइस यहाँ पर ये भी खड़ा हुआ है, और ये बिल्कुल भी नहीं हिल सकता यार, ये इसको डर लग रहा है इतनी ऊंचाई पे ये खड़ा हुआ है, इसलिए हिलेगा ही नहीं, पता चला नीचे गिरके मर गया तो इसीलिए। तो गाइस कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर हमारा जंगल तो काफी ही ज्यादा मस्त लग रहा है, आपको कैसा लग रहा है प्लीज भाई आप लोग को कॉमेंट में ही बताना है, जाओ फटाक से कॉमेंट कर देना। उससे पहले मैं आपको फुल्ली टूर देता हूँ अपने जंगल का। तो काफी ज्यादा आप लोग देख सकते हो यहाँ पर सारे के सारे डायनासोर वगैरह खड़े हुए हैं, हॉर्स भी खड़े हुए हैं, और गाइस हॉर्स पे मैं सवारी भी कर सकता हूँ। एंड यार इधर में ना हमने हर टाइप के पेड़ लगा रखे, तो और भी ज्यादा ही मस्त लग रहा है यहाँ पर। ये डायनासोर एक और खड़ा है, इसकी सवारी नहीं कर सकता क्या, नहीं ये तो दूसरा वाला डायनासोर होगा। चलो कोई दिक्कत नहीं गाइस, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मजे आ रहे हैं, और छांव लग रही है, ऐसा लग रहा है भाई रियल लाइफ में मैं हूँ भाई फॉरेस्ट के अंदर। क्या गाइस आप लोग इस फॉरेस्ट में आना चाहोगे, फटाफट से कॉमेंट करो। और यही था हमारा इतना ज्यादा खतरनाक तरीके का फ्लाइंग फॉरेस्ट। तो अब आप लोग को फटाफट से कॉमेंट करके बताना कि आपको ये हमारा फ्लाइंग फॉरेस्ट कैसा लगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा एक सिनेमेटिक सीन हमारे फ्लाइंग फॉरेस्ट का। तो चलो आप लोग सिनेमेटिक सीन एंजॉय करो। ये हमारा फ्लाइंग फॉरेस्ट अच्छा लगा होगा, अब फटाफट से कमेंट करो कि गाइस आपको ये फ्लाइंग फॉरेस्ट कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो कमेंट करो, नहीं अच्छा लगा तो भी कमेंट करो, बताओ मुझको कि क्या इसमें कमी थी और क्या अच्छा लगा है। और हाँ गाइस यहाँ तक वीडियो में आ चुका हो तो प्लीज भाई वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो, और हाँ गाइस चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि आपको इस चैनल पर खतरनाक वीडियो देखने को मिलती रहती है, वो भी डेली खतरनाक, कभी कभी सब्सक्राइब कर लेना। और हम मिलते हैं आपसे कल एक और खतरनाक वीडियो के साथ, वापस तब तक के लिए बाय बाय।